Everything will be fine. Today we'll discuss chemistry chapter 8 class 9 federal board chapter 8 think tank exercise and discuss करेंगे इसमें. Now let's move forward. Question number 1. It is advisable not to pick sodium metals with fingers, defends this statement. कहा जाता है कि सोडियम मेटल को हमने अपनी फिंगर्स से नहीं उठाना, तो क्या वजह है हमने वो बतानी है इस क्वेश्चन में. सोडियम मेटल इज टू रिएक्टिव दैट इट मे रिएक्ट विद द मॉइस्चर ऑफ फिंगर्स एंड प्रोड्यूसेस इरिटेशन, सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू पिक सोडियम मेटल्स विद फिंगर. सोडियम मेटल क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे क्या होगा जी कि जो आपके फिंगर्स के ऊपर जो मॉइस्चर प्रेजेंस होंगे उनसे भी वो रिएक्ट करेगा और क्या जलन से पैदा होगी. तो क्या कहते हैं, सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू पिक सोडियम मेटल विद फिंगर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन हाफ रिएक्शंस. इलेक्ट्रॉन क्या रोल प्ले करते हैं हाफ रिएक्शन. हाफ सेल रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. रेडॉक्स रिएक्शंस आर कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स, अ रिड्यूस्ड हाफ एंड एन ऑक्सीडाइज्ड हाफ. इसके अंदर क्या है, जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो दो पार्ट्स के ऊपर कंप्राइज्ड करता है, एक होता है रिड्यूस्ड हाफ और दूसरा वाला ऑक्सीडाइज्ड हाफ. दैट ऑलवेज अकर टुगेदर. और ये जो दोनों हाफ्स हैं ये क्या करते हैं, एक टाइम पर ही अकर होते हैं. द रिड्यूस्ड हाफ गेन इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. रिड्यूस्ड हाफ के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा. और जब के ऑक्सीडाइज्ड हाफ लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. और ऑक्सीडाइज्ड हाफ के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस. क्वेश्चन नंबर 3. डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है. एपरेटस उसके लिए जो हमें चाहिए वो है बीकर, स्पैचुला, आयरन प्लेट, कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशंस. प्रोसीजर, मिक्स वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर टू सल्फेट इन 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर. हमने वन स्पैचुला लेना है कॉपर सल्फेट का, उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देना. प्लेस आयरन प्लेट इन अ सॉल्यूशन एंड लीव फॉर फ्यू आवर्स. फिर हमने आयरन की प्लेट लेनी है और उसको सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप कर देना है और फिर थोड़े से घंटे इंतज़ार करना है. लुक फॉर द साइन ऑफ ग्रीन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन रॉड. थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ग्रीन पार्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे आयरन रॉड के सरफेस के ऊपर, उससे क्या होगा. ऑल्सो ऑब्जर्व द फेट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो है वो कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगा. आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर. जो हमारे पास इक्वेशन है कि वो है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, जब वो उसे डिस्प्लेस करेगा कॉपर जो है तो वो आयरन सल्फेट बन जाएगा और हमारे पास कॉपर प्योर मेटल में आ जाएगा. कॉलम ऑफ FeSO4 विल बी फॉर्म्ड एंड पिंक मेटल CO डिपॉजिट. हमारे पास जो है कि FeSO4 का सॉल्यूशन आएगा और जो है पिंक मेटल्स कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. सो इससे हमें क्या पता लगता है कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, जिसकी वजह से वो जो होगा वो बॉटम के अंदर आना शुरू हो जाएगा, बॉटम पर आ जाएगा आयरन. ये वीडियो है थोड़ी सी, इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ. ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है.
ये देखिए ये आयरन आया, कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो गया और हमारे पास क्या आ गया, आयरन सल्फेट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर द वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट। कौन सी चीजें सिमिलर हैं वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और कौन सी चीज डिफरेंट है, डिफरेंट कौन सी चीजें हैं दोनों के अंदर, वहां हमने डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन के। सिमिलैरिटीज बिटवीन वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन वोल्टिक सेल एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑलवेज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ द रिएक्शंस अकर्स। वोल्टिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सी एक चीज सिमिलर है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इन दोनों में अकर होते हैं। एन इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स इज ऑलवेज एनोड व्हाइल एन इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स इज ऑलवेज कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसको हम कहते हैं एनोड और जिसके ऊपर रिडक्शन होती है उसको हम कहते हैं कैथोड। डिफरेंसेस बिटवीन वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वोल्टिक सेल्स हैव अ नेगेटिव चार्ज्ड एनोड एंड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड। वोल्टिक सेल्स का जो एनोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। In voltaic cells, the chemical reaction leading to the generation of electrical energy occurs spontaneously. Voltaic cells के अंदर जो chemical reaction होते हैं जिससे electrical energy generate होती है वो क्या है, spontaneously, मतलब हमें कोई force नहीं दिखानी पड़ रही। जबकि electrolytic cells क्या है, electrolytic cells have a positively charged anode and a negatively charged cathode. एक तो एनोड और कैथोड का डिफरेंस है कि वोल्टिक सेल्स के अंदर जो है वो नेगेटिवली होते हैं एनोड नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इसी तरह कैथोड जो है वो वोल्टिक सेल में पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एन एक्सटर्नल EMF सोर्स हैज टू बी यूज्ड टू ड्राइव द केमिकल रिएक्शन। That is, it is a non-spontaneous process. Electrolytic cell के अंदर हमने क्या करना होता है कि external EMF source लगानी होती है ताकि जो है वो chemical reaction run हो सके। इससे हम क्या conclude करते हैं कि जो electrolytic cell है वो non-spontaneous process है। Question number 5. An iron bar is to be silver plated, which metal would be anode and which the cathode? Iron bar के ऊपर जब हमने silver plate किया तो हमने पता नहीं कि iron और silver में से कौन सा anode है और कौन सा cathode है। Iron bar will be anode, इसके अंदर जो iron ball है, iron bar है वो anode होगा। सिल्वर प्लेट वुड बी कैथोड और सिल्वर की जो प्लेट होगी वो कैथोड होगी। इसका क्या मतलब है कि आयरन के ऊपर जो होगी वो ऑक्सीडेशन होगी और सिल्वर प्लेट के ऊपर रिडक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन दोनों की हमने कोरोजन को कंपेयर करना। आयरन गेट्स मोर कोरोडेड देन एल्यूमिनियम। आयरन जो है वो ज़्यादा कोरोड होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। रीजन्स क्या हैं, आयरन ईजली रिएक्ट विद द एनवायरमेंट एंड फॉर्म्स द रस्ट इफ फॉर व्हेन वी डू नॉट गैल्वेनाइज टू द आयरन। अच्छा जी, आयरन जो है वो इजीली रिएक्ट करती है एनवायरनमेंट से और वो क्या हो जाती है, रस्ट आ जाता है आयरन के ऊपर, मतलब जंग लग जाता है आयरन को बहुत जल्दी अगर हम आयरन को जो है वो गैल्वनाइज्ड नहीं करते। आयरन हैज़ द मोर रिएक्टिव एबिलिटी देन एल्यूमिनियम। आयरन के अंदर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एबिलिटी है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। बट coming to the aluminium when reacts with the oxygen and it forms the Al2O3 and it acts as the protective layer on the pave of the aluminium
so that we cannot witness the merged corrosion comparative to iron. और जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है, Al2O3, और वो प्रोटेक्टिव लेयर है, और जो एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाती है प्रोटेक्टिव लेयर Al2O3 की, और वो जब उससे क्रोजन होने से बचाती है, और जो है हम एल्यूमिनियम के केस में ज़्यादा क्रोजन को विटनेस नहीं करते। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलती है कि जो आयरन है वो ज़्यादा कोरोडेड है देन एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब अल्कली मेटल क्या है, ग्रुप 1 है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2 है। हमने इन दोनों के अंदर कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट। Similarities between alkali and alkaline earth metal. Both groups are the metals containing element. इन दोनों ग्रुप्स के अंदर एक चीज़ तो ये कॉमन है कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, मेटल्स। Belongs to S group, और ये किससे बिलोंग करते हैं, S group. Differences between alkali and alkaline earth metal. अल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल के अंदर जो है वो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कली मेटल के अंदर जो है वो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल के टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, चूज 3 मेटल्स दैट वुड नॉट बी सुटेबल फॉर क्वाइनेज। Elaborate your choice. अब हमने बताना है कि कोई से 3 मेटल्स हमने बताने हैं जिनको हम क्वाइंस बनाने में यूज़ नहीं करते, और हमने बताना है कि क्या वजह है। अब देखते हैं वो कौन से 3 मेटल्स हैं। मेटल्स लाइक मरकरी, सीजियम, लेड वुड नॉट बी सुटेबल फॉर द क्वाइनेज। मरकरी, सीजियम और लेड जो है वो उन 3 मेटल्स में से हैं जिनको हम क्वाइनेज पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वजह क्या है? मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सीजियम मेल्ट एट लो टेम्परेचर इन योर हैंड एट जस्ट अंडर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और सीजियम जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, और वो क्या है, हमारे हैंड का टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वो हमारे हैंड पे जैसे ही है आएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। लेड इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इट इज़ अ पॉइजनस मेटल। लेड जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, और वो जहरीला मेटल है, पॉइजनस मेटल है। Now that's all for chapter number 8. Now we will discuss the short question answer review exercise of each chapter in the next video and later. Thank you very much for your kind attention. Take care. Allah Hafiz.